तुम ये क्यों भूलते हो कि तुम्हारे ही पिता अनपढ़ होने की वजह से कितने बड़े धोखे का शिकार हुए। वकालत मेरा पेशा भी रह चुका है और आने वाले दिनों में इस इलाके के लोगों के लिए हम लोग एक लीगल एड सेल भी खोलने वाले हैं। योर ऑनर, मैं इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहती कि प्रभु दयाल के पिता दीन दयाल ने धोखेबाजी का शिकार होकर आत्महत्या की। जनाब, मिसेस चतुर्वेदी यहाँ मुद्दे प्रभु दयाल की वकालत के लिए हाजिर है, ना कि इन ढेर से देहातियों की। अदालत ये हुक्म देती है कि ठाकुर अवतार सिंह के सभी बही खातों को अदालत में पेश किया जाए। इसके साथ साथ ही अदालत पुलिस को यह हिदायत देती है कि वो ठाकुर अवतार सिंह और उसके मुंशी दौलत राम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के मुताबिक उचित इल्जाम लगाकर फौजदारी मुकदमा दायर करे। तो ठीक है बेटे, प्रभु दयाल ठीक कह रहा है, कुछ ऐसे कार्यों का श्री गणेश करा दो। क्या हो रहा है भाई यहाँ? कारपेंटरी का काम सिखाया जा रहा है मुंशी, तुम भी सीख लो, काम आएगा। ये देखो, इससे सिलाई भी सीधी हुई है और सफाई भी आ गई है। गांव का नक्शा बदल रहा हुजूर, गांव का नक्शा। मैं समझा नहीं। माफ करना हुजूर, आप भी यहाँ पर जमानत पर रिहा होके बैठे हैं और आपका ये चाकर भी। तो तुम डर रहे हो कि कल मुकदमा शुरू हुआ नहीं और हम फिर अंदर?